हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के टाइप। इसके पहले हम ऑलरेडी बात किए हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम को किस प्रकार क्लासिफाइड किया जाता है, आज हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले ऑलरेडी मैं इकोसिस्टम पर वीडियो बना चुका हूँ। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, उससे सेपरेटली वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग उस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाए। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम को हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र। यानी कि क्या होता है कि इकोसिस्टम में दो ही प्रकार के घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट होता है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें यानी कि जीवित जीव जंतु, ए बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड उसको बोला जाता है नॉन लिविंग फैक्टर। ठीक है, तो दो कंपोनेंट आपको याद होना चाहिए, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक, एबायोटिक। ठीक है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वह लिविंग फैक्टर्स होता है, जीव जंतु होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स होता है। तो उससे पहले मैं जो इकोसिस्टम से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ उसमें सेपरेटली एक्सप्लेन किया हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर 60 मिनट में हम बता सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर बस बात करेंगे कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। तो अर्थ पर यानी कि हमारे भूमि पर जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यानी कि एक होता है प्राकृतिक द्वारा स्वयं बनाया गया एक पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें क्या होता है सभी जीवित जीव नेचुरल हैबिटेट में अपने वास करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इकोसिस्टम को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलाकृति यानी कि स्थल पर यानी कि भूमि पर होता है, और एक्वेटिक ई एस का मतलब होता है इकोसिस्टम। ठीक है, शॉर्टनेस। तो एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। ठीक है, जलीय जीव जंतु किस प्रकार अपने पारिस्थितिकी तंत्र में आवास करते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है यानी कि स्थलीय जो होता है उसको फिर क्लासिफाइड किया जाता है फॉरेस्ट के अंतर्गत, ग्रासलैंड, डिजर्ट एंड मरुस्थल, टुंड्रा और पोलर में क्लासिफाइड किया जाता है। फॉरेस्ट के बाद हम बात करें तो फॉरेस्ट पर बहुत तरह के फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ट्रॉपिकल डिसीड्यूस फॉरेस्ट होता है, टेम्परेट डिसीड्यूस फॉरेस्ट होता है, ठीक है, अल्पाइन फॉरेस्ट होता है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में यदि आपको सेपरेटली वीडियो फॉरेस्ट से रिलेटेड चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बात करेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रकार कितने होते हैं। तो ऑलरेडी बस आपको इतना याद होना चाहिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, जो भी दिया गया इतना आपको मेंशन होना चाहिए। अब ग्रास लैंड की बात करें तो ग्रास लैंड में पहला होता है टूस, देखिए यहाँ पर टूस सॉ, ठीक है, जो न्यूजीलैंड में है, और एक है स्टेप्स जो यूरेशिया में है, और एक है पैम्पस जो इन अर्जेंटीना में है, और एक है सेवाना जो ट्रॉपिक में है। तो आपको यह ग्रास लैंड याद होना चाहिए। ठीक, कम से कम यदि मान लीजिए 4 दिए हैं या 5 दिए हैं तो आपको 3 या 4 याद होना चाहिए। ठीक, आप ऑलरेडी उसको याद ही करेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको कैसे याद हो जाए। ठीक है, डिजर्ट यानी मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल आप ऑलरेडी जानते हैं नॉर्थ अफ्रीका, एक होता है कालाहारी मरुस्थल जो साउथ अफ्रीका में है, और एक होता है थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, एक होता है गोबी जो मंगोलिया में है। तो डिजर्ट आपको आसानी से याद होगा, टुंड्रा और पोलर। ठीक है, और एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? जलीय इकोसिस्टम को दो भागों में, एक होता है मैराइन और एक होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, समुद्री यानी कि इसमें होता है डेल्टाइक। डेल्टाइक के लिए यदि एग्जाम्पल की बात करें सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, और एक होता है ओशियनिक, इसका एग्जाम्पल बात करें तो ओशियनिक। ठीक है, और एक है यूस्टेरिन। ठीक है, इस्टूरिन जो होता है वह जोन होता है बिटवीन सी एंड कॉन्टिनेंट, यानी कि समुद्र के बीच का तिकोना अलवा जो होता है किनारों का भाग उसी को बोला जाता है इस्टूरिन। ठीक है, तो यह मैराइन के अंतर्गत आएगा। और एक मैंने बताया एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय इकोसिस्टम को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, एक होता है मैराइन और एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में क्या होता है, दो भाग, फ्रेश वाटर को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है लेंटिक होता है, एक होता है लोटिक। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ना हो जाए कोई, पूछे लेंटिक क्या होता है, स्टैंडिंग फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल की बात करें तो लेक और पॉन्ड, और कोई पूछे लोटिक क्या होता है, लोटिक का मतलब लुढ़कता हुआ यानी कि रनिंग करता हुआ, तो रनिंग फ्रेश वाटर उसके अंतर्गत एग्जाम्पल कोई पूछे कि लोटिक का एग्जाम्पल बताइए तो रिवर और स्प्रिंग लोटिक का एग्जाम्पल है, और लेक और पॉन्ड जो होता है लेंटिक का एग्जाम्पल है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में हम बात करें तो पॉन्ड होता है,
क्रॉपलैंड गार्डन। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि यह मनुष्यों के द्वारा बनाया गया सिस्टम होता है, मैन मेड इकोसिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यही था इकोसिस्टम के टाइप के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे पहले इकोसिस्टम्स के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन किया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर उस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड, इकोसिस्टम से रिलेटेड और इकोसिस्टम के टाइप से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको सिंपल वे में सॉल्व कर पाएँ और अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।